लास्ट क्लास में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर चुके हैं। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो थी एक बार देख लीजिए। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। ये मेन आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी की हेल्प से बाकी की और भी आइडेंटिटी आप ड्राइव कर सकते हो यहाँ से। और सेकंड जो आपने मेन आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए के। एंड थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। और फोर्थ जो मेन आइडेंटिटी थी वो आपको याद होनी चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, या टेन ए लिख लेना चाहिए मुझे, टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होती है। और फिफ्थ मेन आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो है कॉट ए इक्वल्स टू होता है कॉस ए अपॉन साइन। ये वो फाइव आइडेंटिटी बोर्ड पर आपके सामने लिखी हुई हैं जो मेन आइडेंटिटी हैं, और इन्हीं की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए, जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो जैसे आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, तो ये साइन और कॉस का फॉर्मूला है ना। ये जो फॉर्मूला है ये टेन और सेक का रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला है ये कॉट और कोसेक का रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला है ये टेन साइन और कॉस का रिलेशन है ना। तो इसी तरह से वो आपसे कह रहा है कि आपको ऐसे रिलेशन ड्राइव करनी है, ऐसी आइडेंटिटी बनानी है किसकी, साइन की सेक की और टेन की, जिसके फॉर्मूले में सिर्फ क्या आ रहा हो, कॉट ए आ रहा हो। तो यानी कि आपको क्या करना है, साइन का रिलेशन किससे बनाना है, कॉट से, सिर्फ कॉट से, ओके। सेक का रिलेशन सिर्फ किससे बनाना है, कॉट से, एंड टेन का रिलेशन भी सिर्फ किससे बनाना है, कॉट से, ठीक है। तो इनमें से देखो, टेन का तो आप जानते हो कॉट से रिलेशन डायरेक्टली, जैसे टेन ए का फॉर्मूला कॉट ए की टर्म में क्या होता है, तो आंसर है टेन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट ए के। तो ये तो आप डायरेक्टली जानते हो, है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, टेन ए का फॉर्मूला, किसके टर्म में, कॉट ए की टर्म में। अब इसी तरह से आपको साइन का फॉर्मूला चाहिए, किसकी टर्म में, कॉट की टर्म में। तो कैसे बनाओगे साइन का फॉर्मूला, कॉट की टर्म में हम कैसे बनाएं, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर ए के। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के, ये हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं पे। और हम जानते थे कि हमें फॉर्मूला बनाना है साइन का, तो हम कुसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, तो कुसेक की जगह 1 अपॉन साइन ए लिख लीजिए। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे ही, ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर ए, है ना। अब आपको क्या करना है, ये साइन स्क्वायर ए इधर लेकर आ जाओ, और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ये इधर लेकर आ जाओ, इनको आपस में चेंज कर दो। मतलब साइन स्क्वायर ए ऊपर इक्वल्स टू 1 अपॉन ये टर्म पूरा उठाकर नीचे लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपके सामने फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, किसका, साइन का फॉर्मूला, किसके टर्म में, कॉट के टर्म में। साइन का फॉर्मूला ओनली कॉट के टर्म में। अब यहाँ देखो, साइन का फॉर्मूला ओनली कॉट के टर्म में तो था नहीं आपके पास, ये साइन का फॉर्मूला कॉस के टर्म में है, ये साइन का फॉर्मूला टेन और कॉस दोनों के टर्म में है ना, ये जो साइन का फॉर्मूला ये कॉट और कॉस दोनों के टर्म में है। आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना था साइन का जिसमें सिर्फ कॉट आता हो, तो वो क्या बन के तैयार हुआ, साइन ए इक्वल्स टू 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बन के तैयार हुआ, है ना। तो कैसे बनाया वो सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहले मुझे बनाना था टेन ए का फॉर्मूला, तो वो तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ कि टेन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए के इक्वल होगा, है ना। तो ये टेन ए का फॉर्मूला हो गया ओनली कॉट के टर्म में, एक चीज हो गई। दूसरा, मुझे कॉट का फॉर्मूला बनाना था,
साइन का फॉर्मूला बनाना था कॉट के टर्म में, तो मैंने सोचा इसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि कुसेक को वहाँ पर 1/sin लिख पाऊंगा, तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज कर लिया। तो कुसेक को मैंने क्या लिख लिया, 1/sin a, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा और यहाँ साइन का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये टर्म उठाकर इधर लिख लिया और ये ब्रैकेट उठाकर यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो होल पर अंडर रूट आएगा, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, इस पर अंडर रूट रह जाएगा। तो ये साइन ए का फॉर्मूला आ गया 1/√1 cot² है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बनाना है sec का फॉर्मूला, किसके टर्म में, cot के टर्म में, तो वो बना सकते हो। देखो sec के हमारे पास इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है, sec की हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है, तो इसी को यूज करो आप सेकेंड आइडेंटिटी को। तो देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, देखिए इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक तो sec का फॉर्मूला बनाना है, दूसरी चीज ये कि tan को हम cot के टर्म में चेंज कर सकते हैं। tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot a, है ना। तो यही यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए 1 + tan को क्या लिख लेंगे, tan a को 1/cot a, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। tan स्क्वायर है तो 1/cot² हो जाएगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है, sec स्क्वायर है। अच्छा अब ये cot स्क्वायर इधर लेकर आ जाओ, मतलब कि LCM ले लो, LCM लोगे तो क्या आएगा, cot स्क्वायर LCM आएगा, इसके नीचे अपॉन में 1 चल रहा है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर और cot स्क्वायर से cot स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1, इधर क्या चल रहा है, sec स्क्वायर है। स्क्वायर हटाओगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 + cot² है ना, और अपॉन में क्या, cot स्क्वायर है ना, और इधर क्या चल रहा है, sec स्क्वायर है। अब देखो ये जो रूट है इस पर तो रूट रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास sec का आंसर क्या बनेगा, यहाँ से स्क्वायर हट चुका है, तो फाइनली sec a का आंसर मेरे पास क्या होगा, अंडर रूट ऊपर वाले पे तो रह जाएगा 1 + cot² है, वो तो ऐसे ठीक है, और नीचे ये cot स्क्वायर एक रूट से बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा, cot a। तो ये आपके सामने sec का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ओनली इन द टर्म ऑफ cot a। sec का ये फॉर्मूला किसके टर्म में था, tan के टर्म में, tan को मैंने क्या लिख लिया, 1/cot, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया sec का इन द टर्म ऑफ cot a। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपको क्या करना था, कुछ आइडेंटिटी बनानी थी, कौन कौन सी आइडेंटिटी बनानी थी, tan की, sin की और sec की, किसके टर्म में, cot के टर्म में, ठीक है ना। तो tan तो आप डायरेक्टली जानते थे 1/cot होता है, अच्छा फिर आपने sin का बनाना था, तो मैंने सोचा कि इस आइडेंटिटी को यूज कर लेता हूँ, क्योंकि cosec को क्या लिख दूंगा, sin, तो ये sin और cot के टर्म में आइडेंटिटी बनती चली जाएगी। इसी तरह से sec का फॉर्मूला बनाना था इन द टर्म ऑफ cot, तो मैंने सोचा tan को cot लिख देंगे, तो sec और cot के टर्म में आइडेंटिटी बन जाएगी। ये जो सॉल्व करने का मेथड है ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पर tan को लिख लो 1/cot, ठीक है ना, अब यहाँ स्क्वायर है तो cot स्क्वायर ही आएगा, फिर LCM लोगे, LCM लेने के बाद स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर हटाकर रूट लगा लोगे, रूट इसके ऊपर तो रह जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर से रूट इसका हट जाएगा, तो यहाँ cot आ जाएगा, इस तरह से बना सकते हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखिए आप तो बात ज़्यादा समझ आएगी। जैसे राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec a। अब आपके पास जो आइडेंटिटी हैं जो आपने पढ़ी हैं, उन आइडेंटिटी में आप जैसे कि देखते हो, जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, है ना। दूसरी जो आइडेंटिटी आप जानते हो वो क्या जानते हो, 1 + tan² a इक्वल्स टू क्या, sec स्क्वायर है। थर्ड आइडेंटिटी जो आप जानते हो वो है 1 + cot² a इक्वल्स टू क्या, cosec स्क्वायर है, है ना। तो इन ये जो आइडेंटिटी आपके सामने है, इनमें साइन किसकी टर्म में है, cos की टर्म में, tan और sec का आपस में रिलेशन है, cot और cosec का आपस में रिलेशन है, हमें ऐसी आइडेंटिटी ड्राइव करनी है जिसमें सिर्फ क्या आता हो, sec a आता हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे cos का,
कॉस ए की आइडेंटिटी लिखी है सेक के टर्म में, तो इसका आंसर हम जानते हैं पहले से, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे या कॉस किसके इक्वल होता है, तो सेक के रेसिप्रोकल के इक्वल, तो कॉस ए किसके इक्वल हुआ, वन अपॉन सेक ए। तो ये एक आइडेंटिटी है, कॉस का आंसर फॉर्मूला है किसके टर्म में, ओनली सेक के टर्म में। इसी तरह से आपको बाकी सब के भी बनाने हैं, साइन के बनाने हैं, है ना, साइन का, कॉट का, कोसेक का, टेन का, सबके फॉर्मूले बनाकर देने हैं, किसके टर्म में, सेक के टर्म में देने हैं, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, टेन का फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। सेकेंड वाली आइडेंटिटी को यूज कर लो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, है ना। तो अब आप देखो आपके पास ये टेन का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में, सेक के टर्म में, टेन ए का फॉर्मूला। इसी तरह से आप और भी बाकी सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबके बनाने हैं। अब जैसे कॉट का बना सकते हो अगर आपको टेन का पता चल गया, क्योंकि आप जानते हो कॉट ए किसके इक्वल होता है, वन अपॉन टेन ए के इक्वल होता है ना। तो कॉट ए ऐसे ही ठीक है, वन अपॉन टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट, टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यार तो ये देखो कॉट का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में, ओनली सेक के टर्म में, ठीक है ना। तो देखो ये कॉस का फॉर्मूला सेक के टर्म में हो गया, ये टेन का फॉर्मूला सेक के टर्म में हो गया, ये कॉट का फॉर्मूला सेक के टर्म में हो गया। कैसे किया, कॉस तो हम जानते ही थे पहले से, वन अपॉन सेक ए के इक्वल होता है। अच्छा फिर हमने देखा कि टेन का फॉर्मूला बनाना है सेक के टर्म में, तो वो हमारे पास पहले से ही है, बस थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया, कैसे, वन इधर लाकर माइनस किया और स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगा दिया, तो ये टेन का फॉर्मूला आ गया। फिर हमने सोचा टेन पता है तो हमें कॉट पता चल जाएगा, कैसे, कॉट ए क्या होता है, वन अपॉन टेन ए होता है, तो टेन ए की जगह ये लाकर लग दो तो कॉट का फॉर्मूला भी बन गया, है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो कॉस हो चुका, टेन हो चुका, कॉट हो चुका, अब बच गए हमारे पास क्या, साइन बच गया, एंड और क्या बच गया हमारे पास, कोसेक बच गया। तो साइन का और कोसेक का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ हमें चाहिए सेक ए, तो कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, जैसे साइन स्क्वायर ए ऐसे ही ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या क्या होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को हमने सोचा कि हम इसको लिख सकते हैं सेक, अब यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा लो, इक्वल्स टू क्या, वन, है ना। तो कॉस की जगह क्या लिख लिया, वन अपॉन सेक, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस, ये पूरा टर्म उठाकर उधर ले जाओ, वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इधर साइन स्क्वायर ए ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू इसका एलसीएम ले लो, तो ये कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दो, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन ऐसे ही रहेगा, ये सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर से सेक बाहर, रूट से बाहर आ जाएगा सेक, तो ये साइन का फॉर्मूला आ गया इन द टर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। अगर आपको साइन का फॉर्मूला पता चल गया तो फिर आप कोसेक का भी निकाल सकते हो, है ना। थर्ड ये फोर्थ होगा और ये फिफ्थ, ये तो फिफ्थ कोसेक वाई निकाल लो, कोसेक ए आप जानते हो किसके इक्वल होता है, वन अपॉन साइन ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब वन अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है, ये उठाकर यहाँ लिख लो, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में क्या, सेक ए, ठीक है, ये सेक ए ऊपर लेकर आ जाओ, तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि जो साइन ए का आंसर आया है उसका आप उल्टा लिख दोगे तो किसका आंसर बन जाएगा, वो कोसेक ए का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा। तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, सेक ए के टर्म में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हो उन सबको सेक ए के टर्म में फॉर्मूले बनाने थे। तो कॉस का बना लिया, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर पहले से जानते थे सेक स्क्वायर ए के इक्वल है, तो वन उधर ले जाकर माइनस किया, स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगाया,
ये टेन का बन गया। टेन ए पता है तो हम कॉट ए पता कर लेंगे कैसे, कॉट ए किसके इक्वल होता है, वन अपॉन टेन ए के, तो टेन ए की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पर, तो कॉट का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से हमने सोचा कि इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लें, ये वाली, क्यों, क्योंकि कॉस को हम क्या लिख पाएंगे, वन अपॉन सेक, है ना, इससे क्या होगा कि साइन का फॉर्मूला आ जाएगा किसके टर्म में, सेक के टर्म में, इसको सॉल्व कर लो तो साइन का फॉर्मूला बन गया सेक के टर्म में, साइन का उल्टा करके लिख दो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कोसेक का, इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये हो गया एक आसान वाला क्वेश्चन आपका। इन क्वेश्चन को करने के लिए जो भी आपका कंसेप्ट वाले वीडियो हैं वो देखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको बात समझ में आएगी कि यह सब आइडेंटिटी कहाँ से आई, क्यों आई, है ना, ये सब कुछ बताया हुआ है पहले से। ओके, इसके बाद एक आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड, देखिए कैसे करेंगे इसको। साइन 60 डिग्री है ना, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए पहले, है ना, ऐसे यहाँ पर साइन 27 डिग्री, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर से कॉस 17 डिग्री, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कॉस 73 डिग्री, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, होल के स्क्वायर लिख लीजिए पहले, ठीक है ना। अब साइन 63 डिग्री ऐसे ही, ठीक है, इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, प्लस साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, है ना, ऐसे, और इस सब का क्या चल रहा है, स्क्वायर, 27 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 63, है ना। अच्छा, इसी तरह से इसमें कॉस 17 डिग्री, ये तो ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही इसको देखो, इसको चेंज कर लो, कॉस 73 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 17, है ना, 90 माइनस 17, इस सब का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान वाले स्टेप किए हैं, पहले तो इनके स्क्वायर मैंने होल पर बना लिए इस तरह से, ठीक है ना, फिर मैंने क्या किया, 27 को लिख लिया, 90 माइनस 63 लिख सकता हूँ, 90 में 63 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो 73 लिखा है उसको 90 माइनस 17 लिख लिया, तो 90 में से 17 माइनस करोगे तो 73 आ जाएगा। अब आप कुछ फॉर्मूले पहले से पढ़ के आए हो, कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो आप जानते हो किसके इक्वल होता है, या पढ़ के आए हो कॉस थीटा के इक्वल, और दूसरी चीज़ आप पढ़ के आए हो कॉस 90 माइनस थीटा कहीं पर लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, है ना, ये आप 8.3 जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ पर किया है ये सब कुछ। तो वही फॉर्म यहाँ पर बन रही है, साइन 63 डिग्री स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है हमारा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, ऐसे, ठीक है, इसका क्या, स्क्वायर अपॉन, ऐसे इस वाले को देखो, कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा कितना है 17, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बन जाता है, तो यहाँ लिख लो साइन 17, इसका क्या, स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, तो ये बन गई, इसको ऐसे लिख लो साइन, अब ये स्क्वायर यहाँ पर लिख लो, है ना, पहले यहाँ से यहाँ लिखे थे, अब यहाँ से यहाँ पर वापस ले आओ, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पर ये लिख लो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है कितना होता है, हाँ ये कितना होता है, 1, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, 1, तो 1/1 आंसर कितना आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर इन दोनों को 90 माइनस समथिंग लिख लो, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख दो, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दो, फिर यहाँ फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 इसका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल आसान है ना। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट भी देख लो आप, इसमें क्या करोगे, देखो साइन 25 डिग्री दिया हो, है ना, अब ये कॉस 65 है, इसको ऐसे लिख लो,
कॉस 90, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 है ना, प्लस, अब इसको देखो कॉस 25 ऐसे लिखा रहने दो, साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 कहीं लिखा उसे 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी चेंज कर लिया 65 को 90 माइनस 25, यहाँ पर भी साइन 65 में 65 को 90 माइनस 25 लिख दिया, अब क्या होगा साइन 25 ऐसे ही ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दोगे साइन थीटा, थीटा कितना है 25, ठीक है ना, प्लस कॉस 25 एक डिग्री ऐसे ही ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है ये होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह लिख दो कॉस थीटा, ये ठीक है ना, अब यहाँ पर साइन 25 और साइन 25 इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस इसी तरह से कॉस 25 इंटू कॉस 25 ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 25 और ये फॉर्म बन गई कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1 तो ये आपका आंसर आ जाएगा है ना तो आप क्या करोगे कॉस 65 को चेंज कर लोगे 65 की जगह 90 माइनस 25 लिखोगे यहाँ पर भी 65 को चेंज करोगे 90 माइनस 25 तो ये फॉर्म बन जाएगी कॉस 90 माइनस थीटा की इसे लिख दोगे साइन थीटा और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख दोगे कॉस थीटा फिर ये साइन स्क्वायर 25 बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर 25 बन जाएगा तो ये फॉर्म बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है बिल्कुल आसान क्वेश्चन एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर है 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कभी भी कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला कोई भी क्वेश्चन करना हो है ना तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे कौन कौन सी आइडेंटिटी ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए नंबर 1 आइडेंटिटी याद कर लो आप साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के यहाँ से दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं आपको याद रखना चाहिए एक तो ये कि कॉस स्क्वायर थीटा यहीं लिखा रहने दो 1 ये साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ तो एक तो ये आइडेंटिटी बन जाती है दूसरा साइन स्क्वायर थीटा इधर ही लिखा रहने दो 1 के पास कॉस स्क्वायर थीटा को ले जाओ ठीक है ना तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो मेन आइडेंटिटी तो आपकी यही रहती है इससे आपकी दो सब आइडेंटिटी और बन जाती है ना इसी तरह से सेकंड जो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के अब यहाँ भी दो आइडेंटिटी बन जाएंगी कैसे देखो टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये 1 उधर लेकर चले जाओ तो ये एक सब आइडेंटिटी बन जाएगी या दूसरा तरीका ये है कि 1 इधर ही लिखा रहने दो और sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इधर लेकर चले जाओ समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ मेन आइडेंटिटी तो ये हो गई इसमें से अगर 1 को उधर लेकर चले जाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चले जाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है ना ये तीनों एक ही बातें हैं बट ये डायरेक्टली इस तरह से आप याद भी कर सकते हो ठीक है ना इसके बाद थर्ड जो आइडेंटिटी है वो आपको पता होनी चाहिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के तो इसमें भी यही करो एक बार 1 उधर लेकर चले जाओ तो एक और आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cot स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चले जाओ 1 इधर ही लिखा रहने दो तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये वो आइडेंटिटी है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए तो फिर आपको सारी बात समझ में आ रही होगी है ना और इसके बाद अलावा आपको जो याद रखना है वो फोर्थ कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के ठीक है एक तो ये बात याद रखो और फिफ्थ बात ये याद रखो कि कॉट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के ये पांच बातें आपको याद रखनी है ठीक है ना और इसके अलावा जो आपको रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले थे कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होता है टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है ना कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है तो ये जो रेसिप्रोकल वाले जो फॉर्मूले थे ये भी आपको याद रखने इन 5 के अलावा है ना तो अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो कितना आसान होगा
सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब देखो कितना आसान हो गया, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये बच जाएगा, 9 इन दोनों में से कॉमन आ गया। अब आप देखो ध्यान से, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हो, देखो ये लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, 1। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दो कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसकी जगह 1 लिख दिया तो आंसर कितना आ गया, 9। तो देखो वैसे ही आपने 9 कॉमन लिया तो ये बचा। अब आपको अगर ये आइडेंटिटी याद है तो इसको 1 लिख पाओगे आप, अगर मान लो आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो इसको 1 नहीं लिख पा रहे होगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो बस मेन चीज़ क्या है, आइडेंटिटी याद होना, आइडेंटिटी अगर याद है तो आप इसको 1 लिखोगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर ये 9 × 1 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल आसान है, हाँ या ना, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट दिखा देता हूँ आपको, तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है ना, इस तरह से गिवन है cosec थीटा, ठीक है, इस तरह से गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन को करने का, स्ट्रेटजी ये बना के रखनी है हमेशा क्वेश्चन को करने के लिए कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लो, किसके टर्म में, साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है ना, तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। कैसे, देखो 1 ऐसे ही ठीक है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो आइडेंटिटी है ये सब आपको याद रखनी है कि अगर कहीं टेन थीटा लिखा हो तो उसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है, अगर कहीं पर कॉट थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, ये बात आप याद रखो। तो टेन और कॉट के ये फॉर्मूले वहाँ पर लगा देता हूँ, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हम जानते हैं, हमें याद है, और sec थीटा को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के टर्म में। अब इसके बाद 1 प्लस कॉट को क्या लिख लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को साइन या कॉस के टर्म में हम क्या जानते हैं, तो आंसर है कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, आइडेंटिटी लगा दी। अब आइडेंटिटी लगाने के बाद बस सॉल्व करोगे और आपका आंसर आपके सामने आता जाएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है, साइन कॉस में चेंज करना, दूसरा स्टेप क्या है, इनको सॉल्व कर देना, बस सॉल्व करते ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो देखो कैसे करोगे, कॉस थीटा, अच्छा एलसीएम ले लो इसके नीचे, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1 से साइन थीटा यहाँ पर बन जाएगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है, इन सब का एलसीएम साइन थीटा आया, साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस में क्या चल रहा, कॉस थीटा और माइनस में 1। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 चल रहा है और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 चल रहा है, तो ये पूरा एक टर्म हो गया हमारा, ये एक, ये पूरा एक टर्म हो गया और ये एक, तो देखो ये फॉर्म बन गई कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये फॉर्म बन गई। तो इसको हम बताओ क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है एंड साइन थीटा चल रहा है। ये वाला स्टेप फिर से समझो, देखो क्या किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 लिखा था तो मैंने इस टर्म को एक मान लिया प्लस 1, इधर ऐसे ही इधर लिखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो मैंने इस टर्म को एक मान लिया और माइनस में 1 चल रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 है, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, तो अगर मैं देखूँ तो ये ए प्लस बी
ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको आगे सॉल्व कर दो, तो देखो कैसे करोगे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला खोल दिया, और माइनस वन का स्क्वायर कितना, वन, ये ऐसे ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा, साइन थीटा कॉस थीटा, उसे ऐसे लिख दिया, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, ये दोनों मिलाकर ये वन बन जाएगा। अच्छा, प्लस में क्या चल रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस वन, और अपॉन में क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बचे, अब इसमें साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आंसर, टू, ये टू इसका आंसर आ जाएगा, और टू इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर आपको प्रूव करना हो, है ना, तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहला तो ये है, पहला स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को चेंज कर लो, चेंज इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, ये बात आप याद रखो, ये बात अगर आपने याद रखी तो आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। पहले सबसे पहला का क्या करना होता है, चेंज इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, और उसके बाद आपको क्या करनी है, सिर्फ प्लस माइनस कैलकुलेशन करनी है ना, इसके बाद बस कैलकुलेशन करनी है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आया, वही करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को किस में चेंज कर लिया, साइन और कॉस के टर्म में, जितने भी टर्म लिखे थे सबको साइन कॉस में चेंज कर लिया। इसके बाद देखो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किए, जैसे कि इस स्टेप पर आकर मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लोगे तो वन से इसको डिवाइड किया कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, बाकी सब कुछ कॉस से कॉस कट गया तो साइन आ जाएगा, कॉस से कॉस कटा तो वन आएगा, तो ये एलसीएम लिया गया है ना। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटी लग गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हुई, इसमें पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटी यूज हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी आई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये भी पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटी हो गई है ना। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुई, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो अगर आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी सिर्फ यही रह जाएगी कि इस तरह की आइडेंटिटी बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या, वन, बस यही आइडेंटिटी लास्ट में रह जाती है, वही वहाँ पर लगा देते हैं और इसको सॉल्व करोगे और आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। इसी तरह से एक और पार्ट दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल आसान वाला। देखो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे sec a प्लस tan a ऐसा आया और 1 माइनस sin a ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो पहला रूल क्या है कि क्वेश्चन को sin और cos में चेंज कर लो, तो sec को sin या cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, tan को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, है ना, वही फॉर्मूले लगा रहा हूँ, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से ये पहले से साइन में है तो इसको ऐसे ही लिखा लेना, तो थोड़ी देर के लिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो जब साइन और कॉस में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उसके बाद तो बस एलसीएम प्लस माइनस ये रह जाता है, तो अभी यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या बचेगा ऊपर, वन प्लस साइन ए ये आ जाएगा और वन माइनस साइन है ना। अब आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू वन को लिख लो, वन का स्क्वायर को लिख लो वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर लोगे तो आपके पास सिर्फ एक आइडेंटिटी बचेगी जो यहाँ पर आपको यूज करनी होती है, वो कौन सी है, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, यही वो आइडेंटिटी है जो सिर्फ बचती है आपको यूज करनी होती है।
तो जैसे और भी फॉर्मूला बन जाएंगे यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर इधर लाकर लिख दो, है ना, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। और भी बन सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर इधर ही रखो और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक बार साइन को उधर ले जाकर लिख लो, एक बार कॉस को उधर ले जाकर लिख दो, तो ये दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं इससे, है ना। तो आप ध्यान दो कि ये मेन आइडेंटिटी है, यही आपकी कहीं ना कहीं यूज हो रही है यहाँ पर, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो अच्छा यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉस है, ठीक है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लो कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या चल रहा था, कॉस ए चल रहा था, तो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए, ये आपके पास आंसर बच जाएगा। इनमें से कौन सा पार्ट है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो फिर से स्टेप वही चले, sec को 1 अपॉन cos, tan को sin अपॉन cos, sin को sin ही रहने दिया, मतलब कि पहली स्ट्रेटेजी हमने क्या बनाई, क्वेश्चन को sin cos में चेंज करना, कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों का LCM ले लिया, LCM ले लिया, इसके बाद a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 लिख लिया, अब 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख दिया, cos स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे अपॉन में क्या चल रहा था, कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 क्या रहेगी, साइन कॉस में चेंज करना, फिर इसके बाद कैलकुलेशन, सिंपल एलसीएम प्लस माइनस, और फिर कैलकुलेशन करते वक्त आपको जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिर्फ यही वो फॉर्मूला है, ओके। इसके बाद एक और पार्ट है इसका, वो भी देख लीजिए। अब जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्री के जब भी आप क्वेश्चन करते हो आइडेंटिटी को प्रूफ करने वाले, तो उनको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तो जो हमने रूल बनाया है कि साइन कॉस में चेंज कर लो फिर करो, एक डायरेक्ट तरीका है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्म बन रही है डायरेक्ट तो उसको यूज कर लो, मतलब जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, cosec स्क्वायर, तो इसको हम sin और cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर, और cosec को sin या cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर, है ना। cosec का उल्टा क्या होता है, साइन, तो cosec को ए को लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चलता रहेगा। अब ये यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या, cos स्क्वायर ए। अब साइन ए अपॉन cos से क्या होता है, टेन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ये इसका पार्ट बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर आप डायरेक्टली जानते थे कि ये sec स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी को तो उनको डायरेक्टली लिख लिया करो, ये लिख लिया। अब इसके बाद स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो गई कि क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना, साइन कॉस में चेंज करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट।